कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। फरुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजेपुर थाना पुलिस का नया कारनामा आया है सामने। पुलिस ने पीड़ित पर ही ले लिया है एक्शन। शौचालय तोड़ने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद विवाद में दबंगों ने दलित वृद्ध से मारपीट भी की थी। वहीं समाधान दिवस में डीएम से न्याय की गुहार लगाने के लिए पीड़ित पहुंचे हुए थे, जिसके बाद अब मामले में पुलिस पर ही अब गंभीर आरोप लगते दिखाई दे रहे हैं। थाना पुलिस मामले की लीपापोती करने पर मिली जुटी हुई है। थाने राजेपुर क्षेत्र के ग्राम दहलिया का मामला सामने आया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुंदरम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुंदरम, ये क्या कुछ पूरा मामला है, पुलिस पर लीपापोती करने का मामला सामने आया है? जी, ये मामला थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम दहलिया का है, जहां पर एक वृद्ध दलित जो था उसके शौचालय तोड़ने से मना करने पर दबंगों द्वारा उसके साथ मारपीट की जाती है। और जब वो थाने में जाता है तो उसकी फरियाद नहीं सुनी जाती है, और फिर उसके बाद वो मायूस होकर समाधान दिवस जो 1 जनवरी को तहसील परिषद में आयोजित हुआ था उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय व डीएम साहब के सामने पेश होता है, वहां पर अपनी गुहार लगाता है। उसके बाद उसका जिला अस्पताल लोहिया में मेडिकल होता है, लेकिन फिर भी उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है और पुलिस उसके खिलाफ ही पीड़ित के खिलाफ ही 107-16 की कार्रवाई कर देती है। जी, क्या कुछ ये पूरा मामला था, क्या दबंगों से क्या कुछ पूरा एक विवाद हुआ था जिसके बाद पीड़ित के साथ में मारपीट की गई है? जी, शौचालय जो था वो जानकारी जो मिली है वो बना हुआ था घर के सामने, उसी को तोड़ने से मना करने को लेकर वहां पर पीड़ित द्वारा जानकारी दी गई कि उसके बाद विवाद हुआ, उसके बाद मारपीट की गई। पीड़ित ने जो जानकारी दी है, और पीड़ित के उसमें चोटें भी आई हैं, शरीर पे उसके चोटों के निशान है, जिसकी पुष्टि जिला अस्पताल लोहिया मेडिकल के दौरान हुई है, और मेडिकल रिपोर्ट में भी उसके साथ मारपीट की निशान सामने आए हैं और मेडिकल में भी इसकी पुष्टि वहां पर की गई है मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे। जी सुंदरम, इस मामले में 1 जनवरी को समाधान दिवस के मौके पर डीएम से भी पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई थी, बावजूद इसके अब थाना पुलिस ने उन्हीं के ऊपर ही एक्शन ले लिया है, क्या कुछ इसकी वजह निकलकर सामने आई है? जी, 1 जनवरी को जैसा कि पीड़ित ने बताया था कि जब उसकी थाने में सुनवाई नहीं हुई, तो 1 जनवरी को जब संपूर्ण समाधान दिवस तहसील परिषद में आयोजित किया गया था तो वहां पर वह न्याय की गुहार लगाने गया था। पीड़ित ने बताया कि वहां पर एसपी अशोक कुमार मीणा व डीएम फरुखाबाद के द्वारा उसके मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, उसके बाद उसने जिला अस्पताल लोहिया में मेडिकल कराया था। जी, लेकिन फिर भी मामले पर पुलिस द्वारा लीपापोती करने के आरोप लग रहे हैं। जी जी सुंदरम, क्या इस पूरे मामले पर आपने जो थाना पुलिस है उससे बातचीत करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ बयान सामने निकल कर आया? जी, जैसे ही जानकारी हुई थी तो मैंने लगभग 3 जनवरी को शाम 4 बजे थाना अध्यक्ष राजेपुर से बात की थी, तो उन्होंने उस समय मामले पर अनभिज्ञता जताई थी, और जब प्रथम दृष्टया मैंने बात की तो उस मामले पर उन्होंने अनभिज्ञता जताई थी कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। जी, इस मामले पर पीड़ित से आपने बातचीत की होगी, पीड़ित का क्या कुछ कहना है, किन दबंगों पर उन्होंने आरोप लगाया है, क्या नामजद लोग हैं या अज्ञात थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है? जी नहीं, उन्होंने जो अपना एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने जो नामजद हैं उन लोगों को नामजद भी किया है, और उन लोगों जो लगभग जो लोग थे उनको वहां पर बताया था कि इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की है, और ये उन्होंने जो नाम बताए हैं इनके अनुसार ग्राम के ही है, मेवा राम पुत्र चंपत है, टिंकू है, मंजेश है, और 2-3 लोगों के और भी नाम उन्होंने लिए हैं कि लोगों ने लाठी डंडे व लात घूसों से मारपीट की है। जी, क्या पुलिस के पास ये नामजद नाम से FIR अब तक दर्ज कराई गई है? जी, जैसा कि पीड़ित ने बताया था कि थाने में जब वो न्याय की गुहार लगाने गया था अपनी समस्या कहने के लिए गया था, तो पीड़ित ने बताया था कि उसको वहां से उसकी सुनवाई नहीं हुई और उसका जो मुकदमा या जो उसकी तहरीर थी वो नहीं ली गई और ना ही उसका कोई वैधानिक कार्रवाई उस पर तब हुई थी। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था पहले ही कि वो 1 जनवरी को संपूर्ण समाधान दिवस में उसने न्याय की गुहार लगाई थी। अभी तक जो जानकारी है फिर उस पर जो उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया था और जो मामला प्राइम टीवी के संज्ञान में आया तो प्राइम टीवी ने खबर को प्रमुखता से चलाया, तो पुलिस ने क्या किया कि जो पीड़ित पक्ष था उसके खिलाफ ही 107-16 की कार्रवाई कर दी।
जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फरुखाबाद से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर थाना पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला फरुखाबाद से सामने आया है जहां पर शौचालय विवाद को लेकर राजेपुर थाना पुलिस का ये कारनामा सामने आया, जहां पर एक पीड़ित पर ही पुलिस ने एक्शन ले लिया है। आपको बता दें कि शौचालय तोड़ने को लेकर कुछ दबंगों के साथ एक वृद्ध का विवाद चल रहा था, जिसके बाद न्याय की गुहार लगाने के लिए जो दलित वृद्ध था वो पुलिस के पास पहुंचता है, लेकिन पुलिस ने उस पूरे मामले की सुनवाई नहीं की। 1 जनवरी को समाधान दिवस के मौके पर डीएम से भी मामले की सुनवाई के लिए गुहार लगाई जाती है, बावजूद इसके अब पुलिस ही इस पूरे मामले पर लीपापोती करती नजर आ रही है। थाने राजेपुर क्षेत्र के ग्राम दहेलिया का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं फरुखाबाद से, जहां पर एक दलित वृद्ध के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है। राजेपुर थाना पुलिस इस पूरे मामले पर लीपापोती करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने दबंगों पर कार्रवाई करने के बावजूद एक पीड़ित पर ही कार्रवाई करती है। शौचालय तोड़ने को लेकर एक विवाद हुआ था, जहां पर विवाद में दबंगों ने दलित वृद्ध से ही मारपीट की। वही समाधान दिवस के मौके पर डीएम से जब न्याय की गुहार लगाई गई, बावजूद उसके अभी तक वृद्ध को न्याय नहीं मिल पाया है। तो पूरा मामला फरुखाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां पर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दबंगों का कहर देखने को मिला है, जहां पर अब पुलिस दबंगों से डरती हुई दिखाई दे रही है। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।